अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं तहसीन खान, लव पाकिस्तान चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाया जाए। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो मड्डी पहलवान की लस्सी, जो डी आई खान में किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और उनकी लस्सी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इंशाल्लाह उनकी शॉप भी दिखाते हैं, जो मेरे बैक साइड पर आप लोग देख सकते हैं, ये इनकी शॉप है मड्डी पहलवान वालों की। तो वैसे शाम का टाइम है और अजानें भी मिल रही हैं, तो कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द इनके साथ बात भी की जाए और इनकी शॉप भी दिखाई जाए। और ये आप इनको लोकेशन देख सकते हैं कि बिल्कुल तोहफ़ा वाला बाज़ार में, जैसे ही आप अंदर आएंगे तो मड्डी पहलवान जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बल्कि हम तो यहाँ पे बचपन से पी रहे हैं। और आज मैंने आपको मड्डी पहलवान वाले के जो बेटे हैं वो भी दिखाए हैं कि ये इनके फरजंद हैं जो आजकल लस्सी बनाते हैं। वैसे शाम का टाइम है तो काफ़ी इनकी चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी थी, बिल्कुल मैं एंड पे पहुँचा हूँ, तो फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार मेरे लिए एक गिलास लस्सी का बनाया जाए, तो इन्होंने मान लिया। तो इंशाल्लाह आप लोग को दिखाते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह है। वाओ, ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। वैसे आज मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि मैं सारा दिन आज पंजाब में था, तो अभी जा वापसी की है फौरन, तो शाम को यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग भी बनाना है, तो क्यों ना आज मड्डी की लस्सी भी पी जाए और साथ साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर की जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लस्सी है। जब कभी डी आई खान आए और वैसे बाज़ार तोहफ़ा वाले में आए तो लाजमन मड्डी वालों के पास आए, इनकी बेहतरीन लस्सी होती है। और ये बहुत ही अरसा दराज से हैं, कोशिश करूँगा कि इनके ओनर से बात की जाए, इंशाल्लाह वो भी कोशिश करूँगा कि आपके साथ बुलवाया जाए। रिवर्स, तो हमने लस्सी तो इनकी पी ली, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लस्सी थी। तो इंशाल्लाह आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और मुझे पसीना भी काफ़ी आया हुआ है, कोशिश करते हैं कि इनके ओनर से बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। भाईजान, ये आपका नाम क्या है? भाई सनाउल्ला। सनाउल्ला भाई जी, जी। सनाउल्ला भाई, ये मड्डी पहलवान के जी, नाम से ये जो सेटअप लगा हुआ है डी खान में, जी हाँ, मैं तो छोटा था और देखा था। वैसे इसको कितना अरसा होता है? तकरीबन 50 साल। 50 साल तकरीबन, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसका जी आप लोगों ने नाम रखा है मड्डी पहलवान, इसकी क्या वजह है? ये हमारे दादा थे, वो पहलवानी करते थे, वो पहलवान थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, और वो पहलवान थे जी हाँ। वैसे ये आप लोगों की मैंने लस्सी पहले भी कई बार पी है और अपने बड़ों के साथ भी आया हुआ हूँ, तो लस्सी का आज भी वही टेस्ट है, इसका क्या राज है? बिल्कुल, अपनी मेहनत से काम करते हैं ना, कोई मिलावट शिलावट नहीं करते, अपनी मेहनत से बनाते हैं, इंशाल्लाह दूध इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल माशाल्लाह। दोस्तों ये हैं सनाउल्ला भाई, तो सनाउल्ला भाई से मेरा आज वही आखिरी सवाल जो मेरा हमेशा हर व्लॉग में होता है, तो वही करेंगे। सनाउल्ला भाई जी, जी। मेरा जो ये चैनल है लव पाकिस्तान, जी, जी, जी। इसके जरिए आप पाकिस्तान की आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान के आवाम खुश रहे और हम उनसे खुश हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया सनाउल्ला भाई, शुक्रिया। दोस्तों ये थे सनाउल्ला भाई और इनकी ये शॉप मड्डी पहलवान के नाम से, और बिल्कुल इनके अपोज़िट बाबा की मशहूर कुल्फ़ी, और बिल्कुल ये तोहफ़ा वाले में आप लोगों ने देखा, आज हमने यहाँ पे इनके पास लस्सी ट्राई की,
वैसे इनके पास दही दूध लस्सी और इनके पास दूध वाले जो पेड़े होते हैं वो मिलते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक खीर होता है वो भी इनके पास मिलता है। जब कभी भी आप तोहफ़ा वाले में आएँ लाजमन इनके पास चक्कर लगाएँ, इंशाल्लाह मायूस होकर नहीं जाएंगे। इनका बहुत ही बेहतरीन एक टेस्ट है, ये खालिस लस्सी बनाते हैं, इंशाल्लाह कभी भी आप लोग यहाँ से मायूस नहीं करें। और जो टेस्ट इनका है वो टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आज के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वस्सलाम।